नमस्कार, आप सभी का हमारे ईपीएस चैनल में स्वागत है। मैं हूं हरि नारायण यादव और आप सभी देख रहे हैं वीडियो ईपीएस चैनल के माध्यम से। फिर से एक बार आप सभी के बीच में लेकर आया हूं मैं वीडियो हॉर्स ट्रेनिंग के बारे में, जो आप सभी को इस वीडियो को देखकर बहुत अनुभव मिलेगा और बेहद पसंद आएगा। इस वीडियो में जानकारी जो हम बताएँगे आप सभी को, जितने नए व्यक्ति घर पर घोड़े का बच्चा रखे हुए हैं, छकड़ी, नकंद, चौकड़ी जो भी रखे हैं कम एज के, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी। और आप सभी को बता दूं तो इस वीडियो में पूरा ए से लेकर जेड तक फुल स्टेप हमने बताया है हॉर्स ट्रेनिंग के बारे में, और प्रैक्टिकल कर भी दिखाया हूं आप सभी के बीच में, दिखाऊंगा अभी आगे तक। हमारे साथ आप सब बने रहें। अब घोड़ा तैयार हो रहा है, बच्चा अभी जाएगा फील्ड पे और आप सभी को अपना कला का प्रदर्शन दिखाएगा। ऐसा ही देखकर आप भी अपने घोड़े के साथ कर सकते हैं और अपना घोड़ा भी बना सकते हैं। और आगे आप सभी को इस घोड़े के मालिक का नाम बता दूं तो हरिकेश बहादुर सिंह हैं, जो इनका एड्रेस पता पड़ता है ग्राम पोस्ट कोठा नेवाडिया छोटेगंज थाना सांगीपुर जिला प्रतापगढ़। और आगे आप सभी को बता दूँ तो इस घोड़े के साथ टाइम देने वाले और इस घोड़े को देख रेख करने वाले सुबह से शाम से लेकर सुबह तक इस घोड़े के साथ लगे रहते हैं अभिषेक सिंह, जो हरिकेश बहादुर सिंह के लड़के हैं। और आप सभी को बता दूं तो घोड़ा अब आप देख रहे हैं कि रिंग साइड में ट्रेनिंग पीरियड में पड़ चुका है, और यह पहले इस घोड़े का उद्घाटन आज हुआ तो है लेकिन अब ट्रेनिंग स्टार्ट है। आप पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में आप सभी को भी अच्छा जानकारी मिलेगा। जानकारी अच्छा मिलेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और एक दूसरे में शेयर करना, फॉलो करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इस वीडियो में ट्रेनिंग देखने के लिए और आप सभी को और जानकारी कैसा मिला हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आगे इस वीडियो को आप सब देखते रहें। वीडियो में आप देख रहे हैं कि घोड़ा पे सीट कस कर और घोड़े को रिंग साइड में लगा गया है और घोड़ा अब गोल राउंड में अपना दौड़ लगा रहा है। आगे अब इसी घोड़े पे घोड़सवारी भी करेंगे अभिषेक सिंह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ईपीएस चैनल में स्वागत है। मैं हूं हरि नारायण यादव और आप सभी देख रहे हैं वीडियो ईपीएस चैनल के माध्यम से। आज आप सभी को इस वीडियो में फिर से एक बार घोड़े के बारे में विशेष जानकारी और घोड़े से संबंधित कुछ ट्रेनिंग हॉर्स के बारे में बताएंगे कि मतलब नया बच्चा को कैसे ट्रेनिंग सिखाया जाता है। आज मैं प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा और स्वयं जिसका घोड़ा है उसी को बैठाकर और मैं नीचे से कला सब कुछ दिखाऊंगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे तमाम आप सभी को वीडियो देखने के लिए मिलेगा और ऐसा ही जानवर के साथ आप सभी को पूरा जानवर के बारे में विशेष जानकारी मिलेगा। आगे तक हमारे साथ बने रहिए। तो आप सबसे पहले आप भाई साहब अपना नाम बताइए हमारे दर्शक एवं व्यूअर्स गण को। जी, मेरा नाम है अभिषेक सिंह, ग्राम पोस्ट कोठाने भैया थाना सांगीपुर जिला प्रतापगढ़। जी, एक बार फिर से हम आपको आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस बच्चे को आप कहाँ से लाए थे? इस बच्चे को हम लाए थे कुंडा भद्री से। जी, ये बच्चा आया था बलोतरे से। जी, इरफान व्यापारी लेके आए थे। जी, उन्हीं से मंगवाया था। जी, हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शक को बताइए कि आप इसको कितने उम्र में लाए थे, मतलब कितना छोटा था, कितना उम्र का था यह बच्चा? ये बच्चा चौकड़ी था, लगभग 6 महीने के करीब था। जी, तब से लाए हैं इसको। जी, और अक्टूबर महीने में लाए थे, 22 अक्टूबर से। जी, इस समय लमसम यह कितना बड़ा, मतलब कितना उम्र का हो गया? ये लमसम हो गया 16-17 महीने का है। जी, इससे ज़्यादा नहीं होता। यह 16-17 महीना का यह बच्चा है, अभी नाकंद है, और इसको मतलब यह अभी बधा था तो भाई साहब हमें बुलाए कि मतलब घोड़ा देखा जाए या बच्चा की मतलब ट्रेनिंग लायक है या ना है। तो इसके शरीर के अनुसार हमने कहा कि आप बैठ नहीं सकते हैं तो नीचे से पूरी कलाकारी और पूरे इस घोड़े को ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। अगर पहले नहीं सिखाएंगे इस घोड़े को तो जब बड़ा हो जाएगा तो आप नहीं सिखा पाएंगे। तो आज इसको हमने गोल राउंड रिंग साइड में नीचे से दौड़ा दिया है और आप सभी को भी दिखाएंगे आगे।
और अब सोच रहे हैं कि इनको आज उद्घाटन करा दें, बैठकर सिर्फ घोड़ा दौड़ाना नहीं, बस जाए दो तीन राउंड, मतलब जाए और आए, इसका जो ऊपर सीट रख कर बैठने का जो इसके अंदर गुदगुदाहट होगा वो निकल जाए। तो आप ऐसा ही बने रहें और देखते रहें। और एक बात और आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने बच्चे के अनुसार जो इसका यह शुंभ है, जो खुर हम लोग बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर इसके पैर में अगर दिक्कत हो तो आप पहले से ही इसके अंदर नल, जो नाल होती है उसे आप हल्की नाल ठुकवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। मतलब उससे लगवाने से क्या होता है कि उसका जो है वो न हो ज़्यादा टूटता नहीं है और बढ़िया अच्छा कटोरी बन जाता है। ऐसा अपने घोड़े के साथ विशेष जानकारी सुनकर और ज़रूर करें और आगे आइए, इस घोड़े के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप आइए, इधर आइए। अब देखिए इस घोड़े पर इनको हम बैठा रहे हैं कैसे। अरे देखिए ये घोड़ा कितना शांतिपूर्वक दिमाग का है, कितना मतलब शांतिपूर्वक दिमाग का है। इस मालिक को, इसके मालिक को हमने बैठा दिया। अब इसको आगे की तरफ ले जाएंगे, एक राउंड छोड़ेंगे, फिर इनको लगाएंगे, ले आएंगे। अगर घोड़ा चल गया, चले आया, तो समझे घोड़ा पास हो गया। अब ये घोड़ा अगले दिन से उसी राह पे जाएगा और आएगा, मतलब सीख जाएगा, ठीक है। अब आप देखे हैं कि घोड़ा को हमने पकड़कर कैसे ले गए और ले आए, और उसके बाद एक दो राउंड इसके साथ गए, उसके बाद पीछे हो गए, घोड़ा आगे की तरफ जाने लगा, आने लगा। और ऐसा ही दिन यानी प्रतिदिन, मतलब आज कल ऐसा ही ट्रेनिंग इसका होगा तो यह घोड़ा सक्सेस हो जाएगा और इसका माइंड जो है, दिमाग खुल जाएगा। ऐसा ही घोड़े को ट्रेनिंग दिया जाता है। और एक और प्रैक्टिकल है जो इसको बनाने में, मतलब नीचे से और इसके पीछे से जो है किसमें से लगा कर और पीछे से जो है कि रस्सी बड़ा कर और इसे हम लोग, मतलब दोगामा वोगामा आगे की तरफ घोड़ा चलेगा, पीछे से हम लोग बनाते हैं। लेकिन इस घोड़े का माइंड देखकर हमने इसको बस रिंग साइड में बुलाई, देख लिया और गद्दी कस दिया, दिमाग का शांत था इसलिए इनको हमने बैठा दिया। अब यह घोड़ा जब इनका भार सह लेगा और वजन सह लेगा तो धीरे धीरे जाएगा और आएगा, तो आप समझिए कि यह घोड़ा अब पास हो जाएगा। ऊपर से ही इसको कलकारी कर दोगामा चौताला जो भी इसकी चाल है पकड़वाया जाएगा, चाहे सिंधी भी हो। तो इस वीडियो में आप सभी को जानकारी अच्छा लगा होगा और इस घोड़े का कलाकारी और इस घोड़े का माइंड भी अच्छा लगा होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे में शेयर एंड फॉलो करते रहें और ऐसा ही घोड़े का ट्रेनिंग आप सभी देखते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल से द्वारा लेते रहें। आगे आप सब बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।